गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नैतिक शिक्षा में पार्ट पांच संस्कृति निष्ठा। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर वन है कि भारत के प्रमुख पवित्र ग्रंथों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि भारत के दो प्रमुख पवित्र ग्रंथ श्रीमद भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक को किसका प्रतीक मानते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। थर्ड है कि प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है। तो प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो धाम किस राज्य में स्थित है। वैष्णो धाम कश्मीर राज्य में स्थित है। पर्व कितने प्रकार के होते हैं और उनके उत्तर भी लिखिए, है ना, उनके नाम भी लिखिए। तो पर्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि शस्त्रों की पूजा हम किस पर्व पर करते हैं। शस्त्रों की पूजा हम किस पर्व पर करते हैं। तो शस्त्रों की पूजा हम विजयदशमी अर्थात दशहरे के पर्व पर करते हैं। मकर संक्रांति किस माह में पड़ती है। मकर संक्रांति माघ माह में पड़ती है। भगवान राम का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। राज्य का नाम पूछा है तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। भाई बहन का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, मतलब कि किस मास में। तो भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन जो है किस मास में आता है, श्रावण मास में। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम आंसर कि भाई बहन का त्योहार श्रावण मास में होता है। अब आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क पे। पहला है सही विकल्प चुनिए। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, गुजरात। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या होती है चार। पवित्र धाम केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। पवित्र धाम केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय संस्कृति में संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कृति में संस्कार है 16। पवित्र रामेश्वरम धाम किस राज्य में स्थित है। तो पवित्र रामेश्वरम धाम किस राज्य में स्थित है, यह है दक्षिण राज्य में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस मास में मनाई जाती है। यह मनाई जाती है आपकी भाद्रपद मास में। यह मनाई जाती है आपकी भाद्रपद मास में। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, सही व गलत पर निशान लगाइए। आगे चलते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट्स राइट। स्वास्तिक को श्री गणेश का स्वरूप मानते हैं, राइट। होली चैत्र मास में मनाई जाती है, गलत। किसमें मनाई जाती है, फाल्गुन मास में। बसंत पंचमी को सरस्वती जी की पूजा होती है, राइट। गंगा सागर का मेला बंगाल के गंगा सागर पर नहीं लगता, रॉन्ग। होली रंगों का त्योहार नहीं है, रॉन्ग, रंगों का त्योहार है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिक्त स्थान की तरफ। चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है। तो चक्र भगवान किसका शस्त्र है, विष्णु का शस्त्र है। पुष्कर मेला डैश की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष लगता है। किसकी पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है दीपावली डैश मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को। 2 अक्टूबर कौन सा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। नीचे है रामायण की रचना किसने की थी। ये नीचे के, एक मिनट, ये शायद नीचे के आ नहीं पाए हैं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है और नीचे है कि रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने की थी। और भारतवर्ष किसका त्योहार है, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। गीता जयंती किस माह में मनाई जाती है, मार्गशीर्ष माह में। ये कुछ इसके छूट गए हैं 3।
आप इतने लिख लीजिएगा, रामायण की रचना ये तो आप लिख लीजिएगा जरूर। रामायण की रचना किसने की थी, यहां लिखिएगा रामायण की रचना, डैश आएगा यहाँ, ठीक है, ने की, किसने की, तो यहाँ लिखेंगे वाल्मीकि, ठीक है। भारतवर्ष डैश का देश है, किसका देश है, तो लिखना, एक मिनट, भारत वर्ष का देश, ये छूट गए हैं खालिस्तान, उनको मैं लिखवा रही हूँ आपको, तो यहाँ लिख देना इसमें त्योहारों, ठीक है। बस स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, आपको अपनी अपनी नोटबुक में कंप्लीट ये करने हैं। थैंक यू।